11 तारीख को नोटिफिकेशन होता है होम डिपार्टमेंट की तरफ से कि खान साहब को बैटरी फैसिलिटीज दी जाएं। 15 तारीख को एडिशनल सेशन जज शफकतुल्ला साहब जेल का विजिट करते हैं, जो कि कानून के मुताबिक जज साहबान जो हैं वो वहां पर विजिट करते हैं कि कैदी किस सूरत हाल में रह रहे हैं, उनको फैसिलिटीज कानून के मुताबिक मिल रही हैं, उनका क्या हाल है, और वो रिपोर्ट जमा करवाते हैं। उन्होंने इमरान खान साहब का सेल भी विजिट किया और वहां पर जो हम रोजाना कह रहे थे कि खान साहब के साथ ये सलूक किया जा रहा है, वो उन्होंने अपनी रिपोर्ट के अंदर जो 15 तारीख की है, हालांकि 11 को नोटिफिकेशन हुआ है, सोचते हैं वो वाली जो कानून के मुताबिक हम कहते हैं वो नहीं मिली, और उन्होंने कह दिया कि इस तरह से वाकई उनके साथ ट्रीट किया जा रहा है। साथ में उन्होंने हदायत की सुपरिटेंडेंट साहब को कि जनाब आप कानून के मुताबिक रूल जो जेल के हैं उनके मुताबिक ट्रीट करें, लेकिन अभी तक उनके साथ नहीं किया जा। दूसरा आपको पहलू बता दूं कि खान साहब का ये जो पैगाम है वो ये है कि मुझे डी क्लास में रख दें, मुझे इससे बदतर सूरत हाल के अंदर रख दें, मेरे साथ जैसा सलूक मर्जी या कर लें, लेकिन मैं बिल्कुल अपने मकसद पे कायम हूं और अपने मकसद को तामील करने के लिए कुर्बानियां देनी पड़ती हैं, अपनी कौम के लिए, जमहूरियत के लिए मैं कुर्बानी दूंगा और मैं अपनी जगह पे कायम हूं, एक इंच मैं अपनी जगह से पीछे नहीं हटूंगा, मुझे 1000 साल जेल के अंदर रहना पड़े मैं रहूंगा, लेकिन कभी गुलामी नहीं मानूंगा। ये खान साहब का वाज़ेह मैसेज था। दूसरा आपको बता दूं कि शाह महमूद कुरैशी साहब, उनको जिस तरह से गिरफ्तार किया गया, 12 घंटे उन्होंने बताया है कि मुझे पानी और खाना नहीं दिया गया, मुझे टॉर्चर किया गया, वहां पर थाने के अंदर जो सेल था उसके अंदर मैट्रेस तक नहीं था और मुझे फर्श के ऊपर लिटाया गया, कसूर क्या है? उन्होंने कहा मैंने कोई जुर्म नहीं किया, मैं हर चीज कौम को बता चुका हूं। फॉरेन ऑफिस के अंदर कोडेड फॉर्म में साइफर आया और वो ओरिजिनल कॉपी उधर ही पड़ी है, मैंने कोई इंफॉर्मेशन शेयर नहीं की जो सीक्रेट थी, उसको डी क्लासिफाइड फॉर्म में कैबिनेट की मंजूरी से लाया गया और फिर उसकी जो कॉपियां हैं वो मुख्तलिफ जगहों के ऊपर मौजूद हैं, ना मैंने चोरी किया ना मैंने किसी गलत बंदे को शेयर किया, तो मुझे फैब्रिकेटेड तरीके से इस FIR के अंदर नामजद किया, उन्होंने अपना मौकफ दे दिया, लेकिन उनके साथ जो सलूक किया जा रहा है वो कानून के मुताबिक, उनके साथ कानून के मुताबिक बर्ताव होना चाहिए, जो आईन हमारा आवाम को, लोगों को प्रोटेक्शन देता है उन्हें वो प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए। और 13 दिन का जो रिमांड है वो किस लिए मांगा जा रहा था? क्या वो इसलिए मांगा जा रहा था कि उनसे रात दिन एक ही सवाल बार बार करना है, जब वो अपना बयान खुद सारा रिकॉर्ड करा चुके हैं, तो फिर तो रिमांड की कोई उसके अंदर थी नहीं। खान साहब इंक्वायरी के अंदर आते हैं और पेश होते हैं और अपना बयान रिकॉर्ड करवा चुके हैं, कोई उसके अंदर इस तरह के रिमांड की जरूरत ही नहीं, लेकिन आज उनका रिमांड किया गया, अदालत का फैसला है, हम बिल्कुल तस्लीम करते हैं और जहां तक उसको चैलेंज करना वो भी हम मशावरत हमारी जारी है कि रिमांड का कोई तुक नहीं बनता, हर अदालत का अपना एक एंगल है देखने का, लेकिन वो खान साहब के विजन के साथ खड़े हैं और पूरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जमात है उसका हर वर्कर, उसका हर लीडर इमरान खान साहब के विजन को इंडोर्स कर रहे हैं और उनके साथ डट के खड़ा है, किसी तरह से कोई घबराया हुआ नहीं है और ना उनका कोई कप्तान घबराया हुआ है। इंशाल्लाह हमारी सबसे जो मेन कोशिश है कि खान साहब को एक तो लॉ के मुताबिक ट्रीट किया जाए और दूसरा जल्दी से जल्दी खान साहब को हम बाहर रखें। थैंक यू।